वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टिन टोन और शेड। ठीक है, जब भी कभी आप किसी भी टाइप की ड्रेस डिज़ाइन करोगे तो उसमें जब आप बात आएगी कलर करने की, तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि मुझे लाइट कलर में करना है या डार्क कलर में करना है या मीडियम। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको कलर में टिंट टोन और शेड की जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि टिंट मीन्स क्या होता है, किसी कलर का बहुत ही लाइट 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 पार्ट निकालना। ठीक है, जैसे रेड कलर है, रेड कलर में जब हम वाइट एड ऑन करते हैं तो धीरे 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 उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो रेड कलर है उसका पिंक निकल के आता है। और जो ब्लू कलर है उसमें जब हम वाइट एड ऑन करते हैं तो वो स्काई ब्लू बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक ही कलर से आप काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो बना सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर जैसे शेड की हम बात करें तो शेड के अंदर क्या होता है, कलर को डार्क करना। ठीक है, डार्क मीन्स जैसे अगर आपने ब्लैक कलर लेना है और आप ब्लू कलर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक एड ऑन करते जाएंगे तो वो उसका शेड बनेगा। मतलब कभी आपको अगर कोई कलर डार्क के शेड में चाहिए, उसका डार्क कलर चाहिए, तो आप उसमें ब्लैक एड ऑन करेंगे और फिर आपको उसका डार्क जो कलर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और टोन मीन्स होता है ग्रे कलर ऐड करना। तो जो भी कलर आप लेंगे उसमें आपको ग्रे कलर ऐड करना होगा। अब ग्रे कलर जो है वो इसी तरह से सिंपल तरीके से मार्केट में नहीं अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हमें ब्लैक और वाइट को मिक्स करके ग्रे कलर बनाना होता है और फिर ग्रे से ही हम जो टोन होता है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको टिंट बनाना सिखा रही हूँ और फिर टोन और फिर शेड। ओके, सबसे पहले टिंट बनाने के लिए आप कोई भी एक कलर लोगे और उसे एक बॉक्स में फिल कर दोगे। ये बॉक्स पैटर्न में मैंने बनाया है, आप चाहो तो ड्रेस में बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आप इसमें पूरा जो कलर है वो फिल कर दोगे। अब मैं इसी में व्हाइट एड ऑन करूँगी हल्का सा और यहाँ पे करूँगी। अब आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हल्का सा व्हाइट कलर ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और व्हाइट एड ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हो बिल्कुल अलग कलर बन गया है हमारे पास। थोड़ा और वाइट। तो इस टाइप से इसके जो सारे टिंट बनाने थे मैंने वो बना दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले डार्क था, फिर लाइट लाइट लाइटर, देन सबसे लाइट। तो अब इस कलर को हम एक ड्रेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको शेड बना के दिखाऊंगी। टोन बनाने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको ग्रे कलर ऐड करना होता है, और आप चाहो तो ग्रे के ही बना सकते हो लाइट एंड डार्क शेड्स, लेकिन हम इसके अंदर इस पर्पल कलर में ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा तो इसमें वाइट डालना है और हल्का सा ब्लैक। ब्लैक बिल्कुल एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना, क्योंकि ब्लैक जो है वो थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टोन बनाने के लिए आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कलर आएगा। अब ये देख सकते हो आप कि इसका थोड़ा सा चेंज है। अब ये थोड़ा सा चेंज आया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें ब्लैक एंड वाइट एड ऑन कर दूँगी। ब्लैक और वाइट किस लिए ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ब्लैक वाइट जो है वो ग्रे कलर है, और ग्रे ही ऐड होता है जब हम टोन बनाना चाहते हैं तो ग्रे कलर ऐड होता है। ब्लैक एज यूजुअल क्वांटिटी में बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको। अब ये इसके जो टोन है वो तैयार हैं सब में। थोड़ा थोड़ा सा मैंने ब्लैक एंड वाइट ऐड ऑन किया है, तो अभी ये थोड़ा सा गीला है कलर, इसलिए इसमें इतना शेड डिफरेंट दिख नहीं रहा है। तो सूखने के बाद आपको अपने आप इसमें
शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं शेड की। तो शेड के अंदर हमें मेन कलर के अंदर सिर्फ ब्लैक ब्लैक एड ऑन करना है। मैंने पहले भी बताया है कि ब्लैक की क्वांटिटी आप बहुत कम रखना, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो थोड़े से में ही पूरा हो जाता है। तो ये हमारा शेड भी तैयार है। अब ये तो मैंने आपको शीट पे करके दिखाया है, कुछ शीट्स हैं जो मैंने अपनी रेडी कर रखी है, अब मैं वो दिखा देती हूँ आपको एक बार। जैसे ये है, अब ये तो मैंने एक सिंपल सा बेस तैयार किया है। आप चाहो तो इसके ऊपर ड्रेस भी बना सकते हो, जिसमें ब्लाउज का कलर डार्क हो, फिर लहंगा धीरे 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 लाइट होता जाए, और दुपट्टा जो हो वो सबसे लाइट हो। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने शेड बनाया है। शेड के अंदर जैसा ब्लू कलर था, फिर उसमें थोड़ा सा ब्लैक, फिर थोड़ा और तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास कलर्स आ गए हैं। ये टोन को मैंने आप लोगों को कहा था कि टोन आप खाली ग्रे कलर से भी कर सकते हो। जैसे ये प्योर ग्रे कलर है, उसी में ब्लैक ऐड किया तो थोड़ा सा डार्क हो गया, और ब्लैक ऐड करोगे तो और डार्क हो जाएगा, और उसी में वाइट ऐड करोगे तो थोड़ा लाइट, और वाइट ऐड करोगे तो और वाइट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर। तो आप चाहो तो सिर्फ ग्रे के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी पर्टिकुलर कलर में ग्रे कलर ऐड ऑन करके उसके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो तीन चीज़ें थी वो आपको समझा दी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसी पे ही आप चाहें तो जिस तरह के आर्टिकल्स मैंने बना रखे हैं उस तरह से बना लीजिए, और नहीं तो मेरे पीछे स्केचेस दिख रहे होंगे आपको, तो उस टाइप की ड्रेस आप बना सकते हो। जैसे लाइक ये वाली जो ड्रेस है वो हम टिंट के लिए बोल सकते हैं कि लाइट 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 है इसके अंदर। और तो इस तरह से आप ड्रेस चाहें तो ड्रेस ड्रॉ कर लीजिए, और किसी तरह का कोई प्रिंट आप बनाना चाहते हैं तो प्रिंट भी बना सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।